दोस्तों, आज की दुनिया टेक्नोलॉजी के बल पर चलती है। जिसके पास टेक्नोलॉजी है सब उसी की बात सुनते हैं। आज हम आप लोगों को जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो जापान को भी इस मामले में टक्कर देता है, बल्कि उससे भी आगे निकल चुका है। इस देश को कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने विकास की ऊंचाइयों को छुआ है, और इन्हीं देशों में आता है दक्षिण कोरिया, जिसका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। पर ऐसा क्यों, ऐसा क्या खास है दक्षिण कोरिया में जो उसे दुनिया भर से अलग बनाता है? दुनिया भर में प्रसिद्ध दक्षिण कोरिया के पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान और उत्तर में उत्तर कोरिया स्थित है। ये एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी मात्र 5 करोड़ की है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जीडीपी के मामले में तेजी से मजबूत होता जा रहा है। देश की राजधानी सियोल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है और एक प्रमुख ग्लोबल सिटी। करीब 38 बिलियनर्स के साथ ये दुनिया का 8वां सबसे अमीर शहर है। अगर आप कोरिया घूमने जाते हैं तो आपको निराश कभी नहीं होना पड़ेगा। कोरिया में घूमने फिरने के लिए कई शानदार जगहें हैं। दक्षिण कोरिया को दुनिया का सेंटा क्लॉज भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के लगभग हर देश में कोरिया का सामान जाता है। बिल्कुल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं की तरह दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की सीमाएं भी दुनिया के सबसे खतरनाक सीमाओं में गिनी जाती है। ये दोनों देश भी एक समय पर एक हुआ करते थे। अलग होने के बाद जहां उत्तर कोरिया नीचे गिरता चला गया, उसके उलट दक्षिण कोरिया ने इस मामले में ऊंचाइयों को छू लिया है और एशिया का सबसे विकसित देश बन चुका है। देश के कुल 82% लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं और 18% गांव में रहते हैं। देश के तीन तरफ से समुन्दर है, और द लैंड ऑफ क्वाइट मॉर्निंग के नाम पे मशहूर साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में भी कुछ कम नहीं है, बल्कि दक्षिण कोरिया ने तो इन चीज़ों में महारत हासिल कर रखी है। दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग का फ़ोन दुनिया के हर देशों में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ह्यूंडई मोटर्स, किया मोटर्स और एलजी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का घर है दक्षिण कोरिया। ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि इनोवेशन के मामले में भी इस देश का जवाब नहीं। चाहे बात करें मेडिकल साइंस की या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, ये देश हर क्षेत्र में आगे है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी करने वाला देश भी कोरिया ही है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए ये काफ़ी काम करते हैं। आपको जानकर के अजीब लगेगा कि दक्षिण कोरिया में कई अजीब से विश्वास भी हैं। यहाँ के लोग 4 नंबर को अनलकी मानते हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादातर होटल्स और इमारतों में 4 नंबर का फ्लोर या फिर 4 नंबर का रूम नहीं होता है। इसी तरह वहाँ के लोग लाल स्याही से भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि वहाँ इसे मृत्यु से जोड़ करके देखा जाता है। दक्षिण कोरिया में बच्चों की उम्र 1 साल उनके जन्म से ही मान ली जाती है। है ना ये अजीब बात? दक्षिण कोरिया में ज़्यादातर लोग एथेइस्ट हैं, जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। इंटरनेट के मामले में भी दक्षिण कोरिया दुनिया में सबसे आगे है, क्योंकि दुनिया में सबसे तेज़ इंटरनेट दक्षिण कोरिया में ही चलता है। सम्मान जाहिर करने के लिए यहाँ के लोग एक दूसरे को झुककर अभिनंदन करते हैं। साउथ कोरिया खाने पीने के मामले में भी कुछ कम नहीं है। अगर आप वहाँ जाएँ तो वहाँ की फेमस डिश किमची का स्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। साउथ कोरिया इसके अलावा अपने केपॉप और कोरियन मूवीज़ के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिन्हें पूरी दुनिया से खूब प्यार मिला है। आपको बता दें कि कोरिया को कोरियाई भाषा में कोरिया नहीं बल्कि हंगुक कहा जाता है। यहाँ की भाषा दुनिया की सबसे सरल भाषा है, जिसमें सिर्फ 14 अक्षर ही हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी कोरिया विजिट किया है? अगर किया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।